करें। तुम जल्दी में चले आए, पवन से मिले भी नहीं। पवन से? और किससे? करी, मैं बहुत कुछ कहना चाहता हूं मगर कह नहीं पाता। चलता। कब लौटोगे? मैं जल्दी लौटूंगा। मैं चिट्ठी लिखूंगा, तुम भी लिखना। बैठो। तुम कहोगे कि आते ही आग में झोंक दिया, पर आज सुबह खबर मिली है कि पुरकिया के दो साथी इस इलाके में देखे गए हैं। पुरकिया का नाम तो तुमने सुना ही होगा। जी सर, पुरकिया डाकू, जिसकी तलाश पुलिस को कई वर्षों से है। और न कभी वो मिला न उसका कोई साथी। अब तुम्हें कैसे बताऊं ऊपर से कितना दबाव आता है उसे पकड़ने के लिए। मैं समझ सकता हूं सर। चांस यही है कि उसका अगर कोई साथी हाथ लग जाए तो बात आगे बढ़े। मैं चाहता हूं कि तुम उन दो हत्यारों की तलाश में निकल जाओ। करमदीन को साथ ले लो, ये पूरे इलाके से वाकिफ है। ठीक है सर। सर, ये तो हमारा खबरी है। करमदीन, क्या हुआ? सर, अरे तुम्हें तो बहुत बुखार है। ऐसे करो तुम वापस चले जाओ, मैं उन्हें अकेले निपट लूंगा। सर, अगर मैं वापस चला गया तो तुम अकेले और फिर रात भी होने वाली है। मेरी फिक्र मत करो, मैं उन्हें कैसे भी ढूंढ लूंगा। तुम वापस जाओ। ठीक है सर। थानेदार साहब, आप? नमस्ते। नमस्ते, नमस्ते माँ जी। माँ जी, मैं एक पुलिस अफसर हूँ, काम से बाहर निकला था। रात के अंधेरे में रास्ता भटक गया, रात काटने के लिए जगह ढूंढ रहा था। आपके घर की रोशनी देखी तो मैं। बेटी, इस घर में तो कोई रोशनी नहीं थी, तुमने आकर माँ जी कहा तो इस अंधेरे घर में रोशनी हो गई। अंदर आ जाओ बेटा,
ये मेरी पत्नी है पार्वती। आओ अंदर आ जाओ। पार्वती जी खाना परोस दो। हाँ जी। बेटा हम दोनों खाना खाने बैठने वाले थे, अब तुम आ गए, तुम भी खाओ हमारे साथ। नहीं माँ जी मुझे जरा। अरे पगले, खाने के समय तो भाग्यवान के घर मेहमान आता है, और मेहमान जब बेटे जैसा हो तो बैठो। बैठो बैठो। हे ईश्वर, नहीं बस मैं। अरे बेटा खाओ खाओ, सुबह से भूखे होगे, पेट भर के खाओ। खाओ। बेटा क्या नाम है तुम्हारा? जी कृष्णा। कृष्णा। बेटा क्या सोच रहे हो, खाना खाओ। सोच रहा था कि घर ना तो चार दीवारों का नाम है और ना उन चार दीवारों के अंदर रहने वालों का। घर तो उस प्यार का नाम है जो हवाओं में खुला हुआ है। बाजू में जरा अपने घोड़े को देख लूं और वहीं सो जाऊंगा। अरे बाहर क्यों बेटा, तुम यहाँ अंदर चारपाई पे सो। आओ। अच्छा ठीक है, मैं यहाँ नीचे सो जाता हूँ। नीचे तो मैं सोऊंगी, मुझे आदत है सोने की। अरे बाजी आप क्या कर रही हैं? आप यहाँ सोएंगी। सुना है माँ के चरणों के नीचे स्वर्ग होता है, मैं एक रात स्वर्ग में बिताना चाहता हूँ। जीते रहो बेटा, जीते रहो। चार दिन मजा ले ले बच्चों, हमें पकड़ने के लिए तुझे शाबाशी भी मिलेगी और तरक्की भी, पर याद रख हमारे साथी तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अरे यार बच्चा समझ के डरा रहे हो, ऐसा मत करो भाई। मेरे अपने कैसे हो तुम? मैं तो वैसी ही हूँ जैसी सदा से थी। मैं भी वही हूँ और मेरा सपना भी वही है। फतेहपुर सीकरी में सलीम चिश्ती की दरगाह है, कहते हैं वहां सबकी मुरादें पूरी होती हैं। तुम मेरे नाम से धागा बांध देना, सपना सच होने पर मैं चादर चढ़ाकर धागा अपने हाथों से खोलूंगी। तुम्हारी गौर। डाकू जागर सिंह, इंस्पेक्टर यादव।
इस वक्त किसी चोर चक्के की तलाश में आए हैं? चोर चक्के इस दरगाह पर नहीं आ सकते क्या? हुजूर, इस पाक जगह में उनका क्या काम? आज से 20 बरस पहले उजागर नाम का डाकू तो यहाँ आया था। जी जी हाँ, आया था, अपनी बीवी और बच्चे को लेकर चादर चढ़ाने आया था और वापसी में पुलिस के हाथों मारा गया था। जी हाँ, उनकी बीवी तो सीढ़ियों से गिरकर मर गई मगर वो खुद पुलिस अफसर के हाथों मारा गया। और उस पुलिस अफसर का नाम था शिव कुमार यादव। जी हाँ, मुझे कल की तरह याद है, मगर यादव साहब भी अल्लाह रखे गजब के आदमी थे। जिस डाकू को उन्होंने अपने हाथों से मारा उसी के यतीम बच्चे को अपना बेटा समझकर गले से लगा लिया। यतीम बच्चे को आप यकीन से कह सकते हैं? हुजूर, मुझे ही तो बच्चे को नाम देने को कहा था और मैंने ही नाम दिया था, कृष्णा। हुजूर, आपने अपना नाम तो बताया ही नहीं। नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी होता है। मौसम बदलते हैं, दिन रात बदलते हैं, पर लोग, अरे नहीं रे, बदल भी सकते हैं। बिल्कुल अपनी दादी माँ पर गई है, वो भी अपने आप से बातें किया करती थी। बोल, क्या हुआ है तुझे? कुछ भी तो नहीं बाबूजी। क्या बात है, बता। हाँ बाबूजी, वो कृष्णा लगता है सुबह आया था, उसका सामान कमरे में पड़ा हुआ है, ना जाने कहाँ चला गया, मिला भी नहीं। कमाल है, भगवान तुम्हारा भला करे, आया और किसी से मिला भी नहीं।